गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने मंगलवार को वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए पिपराइच और भटहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सांसद ने केंद्रों पर कोविड वार्ड वैक्सीनेशन, साफ सफाई और अन्य उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। सांसद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। टीकाकरण से ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है, इसलिए सभी टीका अवश्य लगाएं। सांसद ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, वैक्सीन लगवाते समय भी 2 गज की दूरी का ध्यान रखें व मास्क जरूर लगाएं, भीड़ ना होने दें, जागरूक रहें और अफवाहों से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, नमस्कार, मैं हूं सांसद रवि किशन शुक्ला। आज मैं अपने क्षेत्र में, मेरा गांव स्वच्छ गांव गोरखपुर, ये जो मुहिम प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो छेड़ी है, जो मुझे महाराज योगी जी ने भी छेड़ी कि मेरा गांव सबसे सुंदर स्वच्छ है। और गांव में जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना, ब्लैक फंगस, ये सारी चीजों के बढ़ने के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्वयं मैंने आज सैनिटाइजेशन का जिम्मा उठाया। मुफ्त में प्रधानमंत्री योजना के द्वारा मुफ्त में राशन वितरण हो रहा, वो भी आज राशन वितरण भी हुआ। जानकारी लोगों को वैक्सीन के बारे में दी। एक भ्रम जो विरोधी दलों ने फैलाया था कि ये वैक्सीन में पानी है, ये वैक्सीन में जहर है, ये जो भय फैलाया गया है विरोधी दल द्वारा, तो हम समस्त जनता से हाथ जोड़ के हमारा निहोरा बा कि ये वैक्सीन जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है, ये वैक्सीन कवच है आपके लिए, सुरक्षा कवच है। मैं आप लोगों से रिपीट करना चाहता हूं, कृपया विरोधी या जो भी आपको गांव में आके भड़का रहा है कि वैक्सीन मत लगाइया और ये वैक्सीन लगाने में इनमें पानी बा, एकरा में जहर बा, ये सब बातों से अब मैं आज गांव गांव घूम रहा था, हमको ऐसी बहुत सारी बातें पता चली। हमारी आशा बहनें भी आ रही हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता आ रहे हैं गांव में, उनको एंटर करने नहीं दिया जा रहा है कि वैक्सीन हम ना लगाए। हम सांसद रवि किशन शुक्ल, रघुआ बनाई, आज रिक्वेस्ट करते हैं कि